नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक योजना चर्चा में है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत कई महिलाओं के खाते में सीधे 1,000 रूपए डाले गए। तो आइए हम बात करते हैं, इन महिलाओं ने इन पैसों का किस तरीके से उपयोग किया। आपको पैसे मिले? हाँ मिले। कितने रूपए मिले? 3,000 रूपए मिले मैडम। बच्चों की फीस भर दी मैडम। क्या कहेंगे आशीर्वाद सरकार? धन्यवाद देंगे मैडम उनको। हाँ मिले मैडम। मैं पर 3,000 रूपए पर नई खाते में ही है, नहीं निकाली, गांव पे है। कैसे अच्छा लग रहा है? पैसे मिले? हाँ मिले, 3 महीने के। अभी 2 महीना के लाई मैंने, 1 महीना का लाई नहीं। हाँ क्या किया उन पैसों? मैंने साड़ी ले ली थी भाई। हाँ क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मामा जी को, क्या कहेंगे? हाँ उनसे कहेंगे धन्यवाद। हाँ हाँ मिले पैसे, मैं 2,000 निकालिए, 1,000 पड़ा है अभी उसी में। क्या अभी क्या? अच्छा धन्यवाद देंगे। लड़की और के लिए साड़ी ले आई। अच्छा हम हाँ, कैसा लग रहा है, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं। क्या किया आपने पैसों? कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को पैसे। हाँ मिले। कितने मिले? 3,000। क्या किया? बच्चों की फीस भरी और काम लिए पैसे। धन्यवाद बोला, अच्छा लग रहा है। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। क्या किया? घर में बच्चे उनको खर्चा करना। 3,000 मिले। हाँ अच्छा लग रहा है मैडम, 3,000 रुपये मिले तो। क्या मैडम, मैंने तो कुछ किस्त भरनी थी, किस्त भर दी और घर में काम में ले ली। अच्छे कहेंगे कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं सरकार। मेरा नाम कमला जायसवाल है, मैं इसी बस्ती में काम करती हूँ, अध्यक्ष हूँ यहाँ का, यहाँ की बस्ती की। और कैंप में भी मैंने 1 महीने कैंप लगाया और सभी महिलाओं को लाभ दिलवाया है और वो लाभ मुझे भी मिला है। और मैं अपनी सरकार से यही कहना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ की महिलाएं जितनी भी है बहुत खुश है और आने वाली सरकार यही चाहते हैं कि यही सरकार आए, बीजेपी में ही आए सरकार। मैंने उन पैसों को गाड़ी की किस्त भर दी, गाड़ी खरीदी अभी। मिली ना? क्या किया? बस ये बच्चे उनकी स्कूल की फीस भरी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैडम जी। धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान के।